jarinya. Kamera. Kamera. Video बनाता. कि जाते टाइम आप भी मेरे जैसे हंसते हंसते गए थे. आते टाइम मेरे को अपना फ्यूचर दिख रहा है आप में. और ये बना हुआ है, ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं थोड़ी गीले होने के कारण ये फिसलते रहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है. 500 किस लिए? पार्क नौकरी आपने ले. ये है इस गांव का कैथोलिक चर्च, और गांव कौन सा ये मेरे को नहीं पता, बस चेरापुंजी के पास में इतना ही पता है. तो अभी टाइम हो गया तकरीबन 12:30, और अब निकला हूँ मैं बिल्कुल रेडी हो गए डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए. यार 3 दिन हो गए रूट ब्रिज जाते 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 जाते, देखते हैं आज पहुँच पाते हैं या नहीं. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से, बाकी किसी से पूछेंगे तो पता चलेगा. ओए कौन, नोंगरियात के लिए रास्ता सीधा? ओके. और यहाँ से कोई लिफ्ट मिलना नामुमकिन सा लगता है मेरे को, बाकी देखते हैं ट्राई करेंगे, अगर मिलेगा तो अच्छा होगा. हेलो, आपको पता है छाता मिलेगा इस गांव में? छाता छतरी अम्ब्रेला? हाँ मिला. आगे दुकान होगा? ओके थैंक यू. खुबलई यार छाता चाहिए मेरे को, एक लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था बताया था मैंने, किसी गाड़ी में भूल गया मैं फिर से छाता, और छाते के बिना यहाँ पे एक सेकंड भी काम नहीं चलेगा. और कोई तो दुकान नहीं दिख रही मेरे को, लगा ये वाली होनी चाहिए. ओए कौन, अम्ब्रेला? अम्ब्रेला नहीं, छाता नहीं, ये बड़ा वाला है. हाँ बड़ा वाला चाहिए. हाँ चाहिए. ये छोटा है या बड़ा है? बड़ा है. ये खोल के दिखाना. ओके कितने का? 200. तो ले लिया भाई छाता, इसका बहुत जरूरत था अपने को. ओए कुमनो फिलोंग, आई लाइक योर बियर्ड स्टाइल. हम भी करेगा ऐसा. ओके बाय बाय. हाँ नोंगरियात. हाँ हाँ नो बुकिंग बाय वॉक. ओके नहीं यार टैक्सी वाले कैसे छोड़ सकते हैं, कोई बीच में सवारी आ जाए तो इनका धंधा खराब हो. वैसे मैं टैक्सी वालों को परेशान भी नहीं करना चाहता, लेकिन खुद ही रोक लेते तो अपने भी पूछ लेते हैं क्या जाता है. और यहाँ पे जितने भी घर दिख रहे हैं ना, इनके अंदर ईंटों का यूज़ बहुत कम होता है, कम या ना के बराबर ही ये बनाते हैं इनसे, क्योंकि ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं इनको. और यार ये घरों का डिज़ाइन बड़ा सही लगता है मेरे को, ये छत जब ऐसे बनाते हैं ना, ये बनाते तो बारिश से बचाव के लिए, क्योंकि पानी गिर के नीचे आ जाता है. और इन घरों के सामने दिखेगा आपको ऐसा लॉन छोड़ा हुआ गार्डन, जैसे कि ये सभी पहाड़ी घरों में ऐसा ही होता है, चाहे आप हिमाचल उत्तराखंड कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट कहीं भी देख लो, सेम डिज़ाइन मिलेगा घर के बाहर एक छोटा सा लॉन. बस नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ आपको अलग मिलेगी, इनके बाहर का जो बाउंड्री होती है ये बैम्बू से बनाई हुई लाइक दिस. ओ चचा क्या धुमा पीता? हाँ ये क्या पशुओं के लिए? हिंदी मालूम? नहीं था? कुमनो फिलोंग कुमनो. यहाँ पे भी पशु रखते हैं, ऐसी बात नहीं है. बकरी मिलेगी एक तो, दूसरा मुर्गा मिलेगा घर पे. मुर्गा तो कम मतलब कंपलसरी है ही है, मिलेगा. उसके अलावा कुछ लोग गाय भी रखते हैं, दूध निकालने के लिए भी रखते हैं, खाने के लिए तो रखते ही रखते हैं. और ऐसी बात नहीं कि चेरापूंजी या मोसिनराम में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बारिश नहीं होती होगी. काफ़ी लोकल से बात करने पर मेरे को ऐसा बताया कि अभी ये जो 2-3 महीने हैं मतलब मानसून के, इसके अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जाता, मौसम सिर्फ ऐसा रहता है फोगी फोगी फोगी. कुमनो नोंगरियात जा रहे हैं हम. यार मैप में तो सीधा रास्ता दिखा रहा है नोंगरियात लिविंग रूट ब्रिज के लिए, और ये वाला बोल रहा है कि 2.5 किलोमीटर इस तरफ. कन्फ्यूज आ ही देते हैं यार ये ऐसे साइन बोर्ड्स कई बार. सामने गाड़ी वाला खड़ा है, तो मैप से ज़्यादा मैं लोकल्स पे भरोसा करता हूँ. हेलो ब्रदर, लिविंग रूट ब्रिज के लिए रास्ता ये वाला जाता है या ये वाला? ये वाला है, ये रास्ता है. ये सिंकल इधर दबो. फिर इधर अगर जाऊंगा तो मैं जाके फिर वापस आना पड़ेगा या आगे से रास्ता निकलता है? मतलब चेरापुंजी के लिए इधर से सीधा रास्ता निकल जाता है या फिर वापस इसी रोड पे आना पड़ता है? चेरापुंजी. हाँ हाँ ओके थैंक यू.
भैया जी भी थोड़े थोड़े सेट लगे मेरे को, लेकिन चलते हैं डबल वाला ही घूम लेते हैं फिर। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लो भाई, 4 किलोमीटर की वॉक के बाद पहुंच चुके हैं माऊ श्यामोक गांव में। और इसी गांव में थोड़ा सा नीचे जाने के बाद डबल डेकर रोड ब्रिज का रास्ता शुरू होता है। और यार पहले तो मेरे को पता नहीं था, मैं सोचा वो गेट से एंटर करते ही सामने ही होगा रोड ब्रिज, लेकिन अभी नेट पे चेक किया साला 3,500 सीढ़ियों का ट्रैक है और उसके बाद भी थोड़ा मोटा जंगल है, उसके बाद आता है अपना डबल डेकर ब्रिज। और माऊ श्यामोक विलेज के बस स्टैंड से व्यू देखो यार आप, हाँ सामने की तरफ कितने सारे झरने बह रहे हैं माशाल्लाह। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि कल भी रात को लगभग 7:30 पहुंचा था मैं वहां पे, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि 5 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, तो शायद एग्जिट भी अलाउड नहीं होगा 5 बजे के बाद। और अभी टाइम लगभग 4 किलोमीटर निकालने में अपने को 1 घंटे के लगभग लग गया होगा आराम से, 15 मिनट 1 किलोमीटर के लगा के चलो। तो देखते हैं वो लोग अगर अलाउड करेंगे तो मेरे हिसाब से 2 घंटे तो जाने में लग जाएंगे और 2 घंटे आने में, तो 6 बजे तक वापस आ पाऊँगा। लेट्स सी क्या बोलते हैं वो लोग। ओहो खतरा है बेटा, तूने रास्ता काट दिया मेरा। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसका मतलब तो कैंची ली होगा प्लान ना। टिपिकल इंडियन साइकोलॉजी। पान पान तंपो। हाँ तंपो। ओ ये तंपो का पेड़ है। अब यहीं से तोड़ के लाते हो? हाँ यहीं से तोड़ता यू। हाँ तुक्की क्यों ऊपर चढ़ता? हंसी क्यों क्यों चढ़ना क्यों? ओ क्यों क्यों इंग्लिश की ना क्लाइंब क्लाइंब नो क्लाइंब 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 ब ब ब क्लाइंब। फी करते हैं कुमनो वन आयुन पुलकित अच्छा ना? अच्छा आपका भी अच्छा है। ओके बाय बाय। कैमरा वीडियो बनाता। बाय 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 बाय। ये अपने को रास्ते में मिल गए थे, मेरे को चलते चलते बोले तू थक गया होगा, ऐसे तो क्या पता क्या बोले थे, लेकिन मेरे को रोक के बोले तंपो तंपो खा के जाना पड़ेगा, तो मेरा भी मन कर गया। खा लेते हैं तंपो। रूट ब्रिज में जाने से पहले थोड़ा एनर्जी मिलेगा ना, इट्स लाइक एनर्जी ड्रिंक है यार। हाय नोंगरियाट के लिए रास्ता ये जाता? यस कुबलई। ये पहुंच गए अभी हम डबल डेकर ब्रिज के एंट्री पॉइंट पे। दिस इज पूरा टूरिस्टों का भीड़ लगा पड़ा है। कुछ जींस पहन के आए हैं ट्रैकिंग के लिए, और यार यहाँ पे कोई बैग रखने के लिए रेडी नहीं है मेरा। मैं सोच रहा था अगर बैग पैक रख देता तो ईजी होता, 2 घंटे में आ जाता वापस, लेकिन यहाँ पे नहीं मान रहे कोई भी। ओए हेलो हाउ आर यू? वेयर यू ऑफ टू? Going to the bridge? You got a big bag, huh? Yeah. Is that all your stuff? My home. Your home? Hey brother, can you give me this? Yeah. Thank you. Khublai le. You are a YouTuber? Yeah, a small one. Where are you guys from? England. England, yeah. From where England? Liverpool? London and Northampton. Oh, London. Not near Liverpool. What about you? I'm from India, Rajasthan. Rajasthan, uh-huh. Which city? Jaipur? Near Jaipur. Near the Pakistan border. Okay. Yeah. What's it called? It's Bhadra. 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 I'm a hitchhiker. Lift there. Yeah, lift. Yeah, we did lift there before. It's brilliant. Okay. It's the best, man. I have the sign in my bag, you know, the Dehradun sign. Okay. Okay, well, if you have the time, I recommend staying by the waterfall. Can we stay there? I think it's not trip. Allowed. You got a tent in there or something? Yeah, I got a tent. I will try if I can pitch a tent there. You'll be able to. Hello. How's the trek? Oh God, it was tiring. Your body language is saying all. Yeah.
भाई जनता की शक्ल देख देख के तो मेरी भी फट रही है लेकिन अपने इनके जैसी पागलपंती नहीं करेंगे, मैंने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं बैकपैक साथ में लेके जा रहा हूँ अपने, नीचे कैंपिंग करेंगे आराम से और कल सुबह आराम से ही वापस आएंगे। भाई 3,500 सीढ़ियाँ जनता सहन नहीं कर पाती, तो ये भाई लोग ये लेके जा रहे हैं। नीचे 2-4 बच्चे होंगे, उनको उठा के लेके आएंगे इसके अंदर। लाइक एवरी डे यू अंडरस्टैंड हिंदी? यस, टेल मी। ओके, हम ये पूछता कि वो जो लेके जाता है ना सामने, वो देखो हाँ, वो सीढ़ी जैसा हाँ, हम लोग जो आदमी उठा के लेके आते हैं ऊपर आदमी। अच्छा, कोई कोई रह जाता है उधर? हाँ, रह जाता नहीं, चलने को नहीं सकता है। हाँ, चलने को नहीं सकता है भाई। इन लोगों में मेरे को अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। हाँ, जस्ट 2 किलोमीटर्स। आई एम किडिंग। कि जाते टाइम आप भी मेरे जैसे हंसते हंसते गए थे? आते टाइम मेरे को अपना फ्यूचर दिख रहा है आप में। लेकिन मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा रात रात का ना, फिर थोड़ा तो इजी होगा इन लोगों से, और जैसा भी होगा वो कल पता चलेगा भैया। अभी 2,500 सीढ़ियाँ और बची होंगी, और सामने की तरफ नदी है वो क्रॉस करके, वो जो ऊपर छोटा छोटा आपको गांव दिख रहा है वहाँ पे है डबल डेकर ब्रिज। और कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि आपको कैंप लगाने का अलाउड नहीं करेंगे वहाँ पे, मगर जाके हेडमैन से बात करेंगे तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और भाई जो नीचे सीढ़ियाँ लेके गए थे ये उठा के लेके आ रहे हैं मनुष्यों को। ज़बरदस्ती नहीं चलती भैया ऐसी जगह पर ज़बरदस्ती। ओके, साइड देना पड़ेगा। यू ओके ब्रदर? थक गया। थक जाते हैं। ये पहुंच गए भाई हम सिंगल डेकर लिविंग ब्रिज के ऊपर, और इस पर जाने से पहले वार्निंग लिखी हुई है कि 2 बंदे एक साथ में नहीं जा सकते, इतना वजन नहीं सह सकता होगा ये। हाय। और ये बना हुआ है, ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं इनकी रूट्स से। सही चीज़ है यार, हिलता है क्या? इतना हिलता भी नहीं है, काफ़ी मजबूत है यार। बीच में आने के बाद थोड़ा थोड़ा हिलता है, और रूट ब्रिज के दोनों तरफ से बह रहा है ये जोर जोर से झरना। और नीचे की तरफ औरतें बजरी इकट्ठा कर रही हैं। ओए कॉन्ग, आई एम गोइंग देयर। वो बोल रहे हैं मेरे को बीच में खड़ा मत, उधर चला जा। हाँ, गोइंग। यार कितनी मजबूत रूट्स हैं इनकी ना। यहाँ पे आने का रास्ता ही नहीं आगे, शायद वो जो नीचे कॉन्ग है मेरे को यही बोल रही थी कि रास्ता नहीं है आगे, ऐसे कर रही थी। मैं सोचा आगे जाने के लिए बोल रही है, लेकिन आगे रास्ता नहीं है। थोड़ी गीले होने के कारण ये फिसलते रहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो तो वापस चलते हैं, मेरे हिसाब से उसके ऊपर से होना चाहिए रास्ता। ये भाई पत्थर पूरे फिसलने, अभी गिर गया मैं, अंगूठा टूट गया लगता है यार। अब की बार ध्यान से। यार इनकी जिंदगी भी देखो, कहाँ हम लोग मजे लेने के लिए आए हुए हैं और ये लोग 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं बेचारे। Where is the way for double decker bridge? Back? And this way? No. ये नहीं जाता? तो यहाँ से अपने को जाना पड़ेगा वापस, जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ निकलती थी वो सीढ़ियाँ लेनी है। ये नीचे वाले सिंगल डेकर ब्रिज के लिए, ये सिर्फ घूमने के लिए, यहाँ से आगे रास्ता नहीं जाता। जो बोले शो निहार, सत श्री अकाल। इस पर चढ़ना इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये जो काई है और साथ में ये जो 30-35 किलो का वजन है मेरे पीछे, ये ज़्यादा मुश्किल बना रहा है। और साथ में जो मैंने क्रॉक्स पहनी है, बैग में रखे हैं मेरे ट्रैकिंग शूज, लेकिन निकालने का आलस है।
Oi, Ada. Can you give me some om? Om? Huh? No, no bottle. Just give me the jo aap pita wahi deta. Khub le le. Tomato chips hota? No, yet. Nahi. Chalo koi na ye wala deta. Kitne ka? 25. Okay. Print yahan pe 20 milega but yahan pe yaar itna niche leke aane mein transportation bhi lagta hai inka. Aur saath mein gaon walon ke paas और कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ओनली टूरिज्म. टेक दिस ब्रदर. और ट्रांसपोर्टेशन भी कैसा, कोई गाड़ी घोड़ा तो आता नहीं. पीछे लाद के मेरे जैसे बैकपैक में लेके आते हैं लड़के. और यार इस गांव में और कोई फिर इनकम का सोर्स भी तो नहीं है जो मतलब मेन रोड्स के ऊपर है या फिर प्लेन्स में. वो लोग तो फिर भी जुगाड़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, मगर ये लोग क्या करें बेचारे. एक तो ये गेस्ट हाउस से या फिर दुकानों से चलता है इनका काम, या फिर दूसरा छोटे छोटे बच्चे नीचे नदी के पास जैसे वो कोंग अभी बजरी उठा रही थी ना, ऐसे चलता है इनका. ऐसे ब्रिज आपके रास्ते में आते रहेंगे नोंगरियात जाते टाइम. ये वाला ज़्यादा उससे थोड़ा एडवेंचरस सा है क्योंकि इसमें नीचे का पूरा दिखता है ना. अच्छा चलता इधर रहे. हाँ इधर नहीं बदलता बैग, ऐसे ही चलता. 900. ये आप वाला बैग मेरे को देता, ये मैं उठाता, मेरे वाला आप उठाता, ठीक है? नहीं नहीं नहीं. क्यों? पैसा दे. हाँ पैसा. पैसा? हाँ पैसा देना पड़ेगा. 500. 500? किस लिए? नौकरी आती है. अरे मैं उठा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही उठा रहा हूँ. मैं आप वाला देखना चाहता हूँ कितना वजन है. तो आदमी ना और आदमी ऊपर रहे हम उधर रहे नौकरी जगह. अच्छा तो बैग एक किलो दो किलो. हाँ सिक्स हंड्रेड 700 इतना ले तो. हाँ ओ मेरा बैग उठाने का ये 500 रुपये 700 रुपये ऐसा. मजा लगता. 400. अच्छा 400 फिक्स. हाँ नहीं चलो. हाँ 400. नो 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 नथिंग. ऐसे चलो 400 इसका देंगे. 400 में तो मैं थाईलैंड पहुंच जाऊंगा. इसका कितना लेता? इसका और इसका 150 ओनली. ये वाला भाई साहब सिर्फ 50 रुपए में, क्योंकि सीमेंट के अंदर 400 लेंगे तो 1000 रुपए का कट्टा कौन लेगा भाई. और ये वाला ब्रिज ख़त्म करते ही ऊपर की तरफ बना हुआ एक ओल्ड स्कूल छोटा सा कैफे. हाँ कुमनो फिलोंग बियांग बियांग ना. थक गया? हाँ थार्ड बहुत थार्ड बहुत थार्ड. हेलो कॉन्ग. तो इस जगह पे और इस कैफे पे करते हैं थोड़ा सा आराम और उसके बाद करेंगे अपनी चढ़ाई जारी. तो जगह देता कुमनो. ये कितने का? 40 रुपया. हाँ 40. 40 कोई 30 का होता? 30 वाला. ये वाला सभी 40 है. जब यार इतना महंगा बोलते हैं ना तो बुरा तो लगता है, मगर फिर इन लोगों की तरफ देख के इतना बुरा नहीं लगता यार. यहाँ तक तो स्लाइस लेके कौन आता है. 40 में मैं 100 रुपये में ना दूँ अगर मैं लेके आऊँ यहाँ पे तो, है ना? बहुत दूर है ना. कल संडे है तो कल मैं वापस आ सकता? कल संडे भी बंद करेगा. बंद करेगा ये गेट? बंद कर देगा. एक के दिन बंद करता है. तो हम कैसे आएगा फिर? सब आराम करेगा. इधर में रुकना पड़ेगा. परसों मंडे को आना पड़ेगा वापस. आप भी संडे को आराम करेगा. कुबले शिबुन बाय. उठाते हैं अपने लटिया. वीर तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो दिस वे.
बस अब पहुंचने वाले हैं, दो मिनट का रास्ता बचा है। डबल डेकर ब्रिज, डबल डेकर ब्रिज, फिर द ब्रिज, आई वांट ब्रिज, यू हैव ब्रिज, शो मी ना। हेलो, या फिर करते हैं कुमनो, करते हैं कुमनो, उमता लांगलिंग का, बाय बाय। तो ये है भैया डबल डेकर रूट ब्रिज। इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से पहले वाला सिंगल वाला था जहाँ पे हम गए थे, जहाँ पे फिसल के मैं गिरा था, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है। एक ये हो गया, एक इसके ऊपर वाला डबल डेकर। तो चलो घूम लिए डबल डेकर ब्रिज, अब चलते हैं यहाँ से कोई कैंपिंग लोकेशन देखने के लिए। ये जितने भी आपको चारों तरफ घर दिख रहे हैं, वो वाला, ये वाला, सभी गेस्ट हाउस हैं। तो किसी से कैंपिंग की लोकेशन पूछें तो कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि सभी बिजनेस माइंडेड हैं, खुद ही ढूंढते हैं। सामने की तरफ जंगल है, यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया था कि एक प्लेन सी जगह है, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। ओए हिलारियस होम, हिलारियस हेडमैन, बेट आई हैव टू गो बैक टू द ब्रिज। ओके कुबलई, पीक करते हैं कुमनो, नो अच्छा रोस्तन, रोस्तन दिस इज योर गेस्ट हाउस, हाउ मच यू चार्ज, चार्ज मनी 500 कुबलई शिवन। तो अभी इन भाई साहब से मैं पूछा था हेडमैन का घर, आप हेडमैन की इजाज़त के बिना ना तो रात को कहीं घूम सकते, ना कहीं पे टेंट लगा सकते, तो जा रहे हैं हेडमैन भाई साहब से परमिशन लेने के लिए। फी करते हैं कुमनो, दास, दास, यस, या इट्स सिंपल नेम, वेयर इज योर होम, देयर, ओके। तो दास भाई साहब लेके जा रहे हैं मेरे को अपने घर पे, वहाँ पे कोई टेंट लगाने की लोकेशन है तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे टेंट लगा देना, और हेडमैन सर ने अपने को बोल दिया जहाँ आपका मन करे लगा लो, लेकिन गांव के अंदर, नॉट इन द जंगल एरिया, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये वाला है भी आज का अपना कैंपिंग लोकेशन, और यहाँ से व्यू आता है कुछ ऐसा। हो गया, यस, भाई बड़ा हेल्प कर रहा है छोटा सा मेरी। करते हैं कुमनो, नहीं नहीं नहीं, हाँ गुड नेम, नहीं दिस हुक इन दिस, हाँ सीख गया लड़का। तो ये लग चुका है अभी अपना टेंट, अब घूम के आऊँगा मैं गांव में, थोड़ा पर्सनल टाइम ही चाहिए यार, सारे दिन कैमरे के सामने बड़बड़ बड़बड़ नहीं कर सकता मैं। सो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first.